लखनऊ में सड़कों पर उतरे हजारों वकील, सरकार और अधिकारियों का पुतला फूका। दोस्तों आपको बता दें, हापुड़ में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज लखनऊ में हजारों की संख्या में वकील स्वास्थ्य भवन चौराहे नारेबाजी करते पहुंचे। इस दौरान वकीलों ने अधिकारियों और सरकार का पुतला भी फूका। प्रदर्शन करते हुए हजरतगंज की तरफ से बढ़ रहे हैं। बीच में पुलिस को रोकने पर वकीलों की झड़प भी हुई है। प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर के रास्ता बंद किया गया, गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हजारों वकील सरकार और शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे, महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्र, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार द्वादी, महामंत्री ब्रजेश कुमार यादव समेत तमाम अधिवक्ताओं ने बैठक की। इस दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन से अधिवक्ता महेश पांडे, अनुज कुमार यादव, रत्नाकर नाथ द्विवेदी, सेंट्रल बार से उत्तम त्रिपाठी, सुरेश कुमार मौर्या व हजारों वकील वहां पर मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, हापुड़ कांड को लेकर के अधिवक्ताओं की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। जिला सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर तिराहे पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूका, हापुड़ में अधिकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला एवं जिला सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिला सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता, महामंत्री रविंद्र पारासरी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने पुलिस लाइन के गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। अधिवक्ताओं की मांग है कि घटना में शामिल पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए और घायल अधिवक्ताओं को उचित मुआवजा दिया जाए। अधिवक्ताओं की हड़ताल से बाध्यकारी परेशान हैं, पैसों की पैरवी भी बाधित हो रही है। आज तक की रिपोर्ट।